जिला कटनी की जनपद पंचायत बहोरीबंध के सभागार में विकलांग परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 79 ग्राम पंचायतों के विकलांगों का परीक्षण किया गया, लेकिन इस परीक्षण शिविर के दौरान जनपद कर्मचारियों के द्वारा घोर अव्यवस्थाएं देखने को मिली। वहीं जनपद पंचायत की मेन गेट पर एक बुजुर्ग लगभग 80 वर्ष का भूखा प्यासा घंटों पड़ा रहा, जिसकी देखभाल करने के लिए उनके साथ कोई नहीं था। वह ग्राम पंचायत अमोच का एवं अपना नाम खिलाड़ी बता रहा था। इस समय जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे, वहीं खाने पीने की भी अव्यवस्था देखी गई। पत्रकारों को देखते ही आनन फानन में विकलांगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई। वह भी नाश्ते में 4 पूड़ी, 2 टुकड़े मूली और अचार के साथ दिया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के बहुत से डॉक्टर रहे, लेकिन अपने संयंत्र साथ लेकर नहीं आए। इन्हीं सब अव्यवस्थाओं के लिए कौन जिम्मेदार होगा, आखिर जनपद के अधिकारी कर्मचारी या फिर पंचायत कर्मी, यह एक जांच का विषय है। एक मिनट भैया, ये जो दिव्यांग शिविर लगाया गया, बहुत सारी अव्यवस्थाएं देखने को मिली, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? नहीं, जिम्मेदार चूँकि जिम्मेदारी तय होगी, अभी मैंने यहाँ बोला है, अगर मान लो कोई व्यवस्था है, एक दो शिकायतें जो आई उसकी जिम्मेदारी बैठ के तय करेंगे, क्योंकि आने के बाद मुझे मालूम चला है अब कैसी कैसी चीज़ें हैं, किसकी किसकी लगातार लापरवाही, वैसे पंजीयन हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लोगों को प्रमाण पत्र भी मिले हैं। उसका एक अच्छा पक्ष भी है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिला है। इतने बड़े कार्यक्रम में 19-20 अगर कहीं कुछ रह गया तो उसकी समीक्षा करके अगर जान के किया गया है तो कार्रवाई होगी, और अगर धोखे से मिस्टेक हुआ तो अगली बार सुधार करके सुधारेंगे उसको। भैया बहुत सारे लोग आए, यहाँ रोड पे पड़े रहे, चौगड्ढे पे पड़े रहे, उनके साथ ना तो पानी की व्यवस्था ना कुछ, और दूसरी बात किसी ने देखा भी नहीं उन्हें। और वो बेचारा एक बुजुर्ग था, मेरा विश्वास है कि समथिंग 80 साल की उम्र का रहा होगा, मरने की स्थिति पे था और यहाँ घंटों पड़ा रहा, कोई ना तो देखने वाला मिला ना कोई सुनने वाला। सरपंचों सचों की जवाबदारी उनको लेके आना, सासम्मान से लाना है, सासम्मान से उनके भोजन पानी की व्यवस्था करना है, उनकी जांच कराना है, पंजीयन कराना है, किस उपकरण के लिए पात्र है वो दिलाना है। जनपद पंचायत के सीईओ की कोई जिम्मेवारी बनती है नहीं? जनपद पंचायत के सीईओ की जवाबदारी कब बनती है, काम व्यवस्था ना हो उनकी, अगर उनकी भी आएगी तो उनकी भी जवाबदारी। स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे डॉक्टर देखने को नहीं मिले, स्वास्थ्य विभाग से भी बहुत सारे विभागों के डॉक्टर कार्रवाई के लिए बोला है उनके, जो जिनकी ड्यूटी थी अगर वो नहीं है यहाँ तो उनकी कार्रवाई होगी। और क्योंकि आधा स्टाफ है, मैंने अभी जाके देखा यहाँ के बाद, अभी आधा स्टाफ है वहाँ पे। आँख वाले डॉक्टर भी जो है यंत्र लेके नहीं आए ना, वो कांच से देखने वाले, उन्हीं का वो है, तो उनको उन्होंने कटने के लिए लिखा है। तो मैंने अभी कहा है प्रशासन को कि आप ऐसे लोगों की चिन्हित करिए, इनको गाड़ी में बैठा के कटनी लेके जाइए और वहाँ इनकी जांच करा के इनकी व्यवस्था करिए। थैंक यू। ये दिव्यांग जन को जो शिविर चल रहा है ग्राम पंचायत जनपद पंचायत बहुरी उनके सभागार में, इस पे जो ये अव्यवस्थाएं देखी, ये जो अव्यवस्थाएं देखी, इसके लिए जिम्मेवार कौन? इसके लिए जिम्मेदार हमारा प्रशासन है, हमारे सीईओ है, उनकी टीम है पूरी। मैंने उन पहली नाराजगी दर्ज कराई, इसीलिए मैंने उस शिविर में जाकर बैठा नहीं। मैंने क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, आप बुला लिए हो जितने बेचारे विकलांगों को आपने बुला लिया, लेकिन उनको सिर्फ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं। आप लोगों का शिविर नहीं होना चाहिए। आप लोगों का यहाँ मंचीय कार्यक्रम चल रहा था और एक बुजुर्ग समथिंग 80 साल की उम्र का अमोच का खिलाड़ी दरवाजे पे डला हुआ था, उसको ना तो कोई लाने वाला था ना कोई देखने वाला था, ऐसी अव्यवस्थाएं क्यों? अब इसके लिए मैं अपनी तरफ अध्यक्ष होने के नाते मैं माफी मांगू, लेकिन जनपद पंचायत के कर्मचारियों से खुश नहीं, क्योंकि ये अवस्था देखकर मैं इसलिए शांत बैठा हूँ। मैंने इसलिए अपनी बात जो है विधायक जी के समक्ष रखी है, जो लोग ये शिविर करा रहे हैं उनको मैंने ये धारण कष्ट कराया है कि इस तरीके की अव्यवस्था यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं लेकिन डॉक्टरों का पता नहीं है, ठीक है ना। कई लोगों को इन लोगों ने कटनी और जबलपुर के लिए रेफर किया है। मैंने ये बात अपने पंचायत इंस्पेक्टर को और सीईओ को मैंने अवगत कराया कि इस तरह की व्यवस्था जो शिविर के जो प्रभारी है धीरेन्द्र सिंह, मैंने उनको भी नाराजगी व्यक्त की है कि ये व्यवस्था आपकी ठीक नहीं है, ये इस तरीके का आयोजन नहीं होना चाहिए। आँख कान के गला आँख कान विभाग के डॉक्टर, मतलब बहुत सारे विभागों के डॉक्टर ही नहीं है, या डॉक्टर आए भी हैं तो केवल एक मुखौटा आया है, उनके साथ में किसी भी प्रकार के संयंत्र नहीं आए हैं ताकि अच्छा परीक्षण हो सके। मैंने इनको बोला था कि शिविर लगाने के लिए, मैंने आज से 10-15 दिन पहले ही मैंने इनके जो दल के प्रभारी है धीरेन्द्र सिंह जी, मैंने उनको बोला था कि आप बढ़िया शिविर का आयोजन करें, ठीक है, और पूरी टीम के साथ और तैयारी के साथ करें। लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि मात्र ये जो है एक 100 पीस बना के सिर्फ लगा रहा है कि सिर्फ शिविर लगा है सिर्फ 100 पीस के लिए, पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। अब व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेवार कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई प्रस्तावित होगी या नहीं? ये होगी, क्या कार्रवाई प्रस्तावित होगी? थैंक यू।